अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है इंडेक्स नंबर्स। इंडेक्स नंबर्स की अगर हम डेफिनेशन पे फोकस करें तो आप देख सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि अ नंबर शोइंग द वेरिएशन इन अ प्राइस और वैल्यू कंपेयर्ड विद द प्राइस और वैल्यू एट अ स्पेसिफाइड अर्लियर। ये बेसिकली दो डिफरेंट वैल्यूज की के दरमियान जो वेरिएशन है उसको डिफाइन करता है। हम ये कह सकते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम एक एग्जांपल लें इस तरीके से कि पेट्रोल की आज जो प्राइस है और आज से 2 साल पहले जो उसकी प्राइस थी, अगर हम दोनों के बीच में कंपैरिजन करना चाहें कि प्राइस में कितना इंक्रीज आया या कितना डिक्रीज आया, या हम दोनों के दरमियान का वेरिएशन जानना चाहें, तो उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं थ्रू इंडेक्स नंबर्स। इसको मजीद क्लैरिफाई करने के लिए एक एग्जांपल यहाँ पे हमने इस्तेमाल किया जिसमें लिखा हुआ है कि सपोज वी वांट टू कंपेयर द प्राइस एवरेज ऑफ मोटरसाइकिल्स इन 2018 विद दैट ऑफ 2019। हम एक स्पेसिफिक मोटरसाइकिल की प्राइसेस को कंपेयर करना चाहते हैं 2019 के मुकाबले में, कि 2019 में प्राइस के अंदर कितना चेंज आया या कितना परसेंट चेंज आया। यहाँ पे 2018 की प्राइस इन्होंने दी हुई है 45,000 और 2019 की प्राइस इन्होंने हमें दी हुई है 48,000। तो इसको कंपेयर करने के लिए जो मेथड हम यूज करेंगे उसको हम कहते हैं सिंपल प्राइस इंडेक्स फॉर्मूला। तो एक बेसिक फॉर्मूला है, इसको आप परसेंटेज फॉर्मूला भी कह सकते हैं। परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला है कि भाई 2019 की जो प्राइस है, जो करंट ईयर की प्राइस है, उसको 2018 से पिछले साल की प्राइस से या जो भी जिस साल से आप उसको कंपेयर करना चाह रहे हैं उस साल से आप उसको डिवाइड करें और मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें, तो आपके सामने जो आंसर आएगा वो बेसिकली उसका प्राइस रिलेटिव कहलाएगा। तो हमने 48,000 जो 2019 की प्राइस थी, जब उसको 45,000 2018 की प्राइस से डिवाइड करके मल्टीप्लाई 100 करा तो उसका आंसर आ रहा है 106.67। तो ये बेसिकली ये जो 106.67 है ये प्राइस इंडेक्स है इसका। और अगर हम ये जानना चाहते हैं कि परसेंटेज में कितना चेंज आया, मतलब प्राइस हमारी कितनी बड़ी है या कितनी कम हुई है, तो उसके लिए आप सिंपली कुछ भी नहीं करें, आप सिर्फ ये करेंगे जो प्राइस रिलेटिव का आंसर आता है, जो प्राइस इंडेक्स का आंसर आता है आपका, उस आंसर को 100 से माइनस करवा दें। तो जब इस आंसर में से हमने 100 को माइनस किया तो 106.67 में से जब हम 100 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 6.7%। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि 2019 में हमारी प्राइस में जो इंक्रीज आया है वो 6.7% का इंक्रीज आया है विद रिस्पेक्ट टू द ईयर 2018। और यहां पे स्टेटमेंट लिखी हुई इन द ईयर 2019 प्राइस इंडेक्स इंडिकेट्स दैट द प्राइसेस हैव बीन इंक्रीज्ड बाय 6.7%, कि 6.7% से हमारी प्राइसेस जो हैं वो क्या हो गई हैं, बढ़ गई हैं। आइए इसको फर्दर एक मजीद एग्जांपल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। आप ये देख सकते हैं कि इंडेक्स नंबर की तीन टाइप्स हैं जो कि हम इंशाल्लाह आगे डिफरेंट पार्ट्स में इस वीडियो के डिस्कस करेंगे। पहली टाइप है प्राइस इंडेक्स नंबर्स, दूसरी टाइप है क्वांटिटी इंडेक्स नंबर्स, और तीसरी टाइप है हमारे पास में वैल्यू इंडेक्स नंबर्स। प्राइस इंडेक्स नंबर, जैसे कि इसके नाम से ही हमें बेहतर समझ में आ सकता है कि जब हम दो डिफरेंट कॉमोडिटीज की प्राइसिस को आपस में कंपेयर करें तो वो प्राइस इंडेक्स नंबर कहलाता है। यहाँ पे इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। प्राइस इंडेक्स नंबर्स आर डिजाइन्ड टू मेजर द चेंजेस इन होलसेल और रिटेल प्राइसेस ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी और अ ग्रुप ऑफ कमोडिटीज। तो हम यहाँ पे प्राइसेस के अंदर जो चेंजेस आता है उसको मेजर करते हैं। अब प्राइस इंडेक्स के अंदर फर्दर अगर हम कैटेगराइज करें तो हम दो चीजें डिस्कस करेंगे। एक हम डिस्कस करेंगे सिंपल प्राइस इंडेक्स जो कि फिक्स बेस मेथड कहलाता है, और फिर एक कहलाता है हमारे पास में सिंपल प्राइस इंडेक्स लिंक रिलेटिव चेन बेस मेथड। मैं एक बार फिर आपको क्लैरिफाई कर दूं कि इंडेक्स नंबर की तीन टाइप्स हैं। पहली टाइप है प्राइस इंडेक्स नंबर, दूसरी टाइप है क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, और तीसरी टाइप है वैल्यू इंडेक्स नंबर।
हम आज की वीडियो में जो बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं प्राइस इंडेक्स नंबर की, और प्राइस इंडेक्स नंबर की फर्दर दो कैटेगरीज हैं। एक कैटेगरी है फिक्स बेस मेथड और एक है हमारे पास में चेन बेस मेथड, जिसको लिंक रिलेटिव भी कहा जा सकता है। फिक्स बेस मेथड में हमारे पास में क्या होता है कि हम प्राइसेस को किसी पर्टिकुलर ईयर से कंपेयर करते हैं। हम कोई भी एक साल मखसूस कर देंगे और उस साल से ही कंपेयर करेंगे तमाम प्राइसेस को। मतलब हम इसको इस तरह से मिसाल के तौर पे ले सकते हैं कि भाई हमारे पास 10 साल का रिकॉर्ड मौजूद है मोटरसाइकिल्स की प्राइसेस का, और मैं हर साल को कंपेयर कर रहा हूं पहले साल से ही। फॉर एग्जांपल 2010 से लेकर 2019 तक का डेटा हमें दिया हुआ है और मैं देखना चाहता हूं कि हर साल कितना इंक्रीज आया, लेकिन मैं कंपेयर करूंगा उसको 2010 के मुकाबले में ही। तो जब एक साल मखसूस कर दें और उसी साल से कंपेयर किया जाए तमाम प्राइसेस को, तो वो कहलाता है आपके पास में फिक्स बेस मेथड। ये आपको मजीद बेहतर तरीके से समझ में आएगा जब आप इसकी कैलकुलेशन को देखेंगे। तो आइए इसकी कैलकुलेशन को समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल यहां पर दी हुई है, फॉलोइंग डेटा शोइंग द एवरेज एनुअल प्राइस ऑफ वीट फॉर द ईयर 2010 टिल 2017। ये सवाल में बोल रहे हैं कि भाई इन्होंने हमें यहां पे एक डेटा दिया हुआ है जिसमें 2010 से लेकर 2017 तक की वीट की प्राइसेस हमें दी हुई हैं। गंदम की प्राइस के बारे में इन्होंने हमें यहां पे लिखा हुआ है, एवरेज प्राइस दी हुई है। बेसिकली हमें कंप्यूट करना है सिंपल प्राइस इंडेक्स, और आगे वो बोल रहे हैं कि आप पहले 2010 को बेस ईयर लेके चले। 2010 को बेस ईयर लेने से मुराद ये है कि हम तमाम सालों की प्राइस को 2011 को 2012 13 14 15 16 17 हर साल की प्राइस को कंपेयर करेंगे सिर्फ और सिर्फ 2010 से। ठीक है, हम ये देखेंगे कि 2011 में प्राइस में कितना चेंज आया लेकिन विद रिस्पेक्ट टू 2010। इसी तरह फिर हम 2012 में देखेंगे कि हमारी प्राइस में कितना चेंज आया, अगेन ओनली विद रिस्पेक्ट टू 2010। फिर देखेंगे 2013 में कितना चेंज आया हमारी प्राइस में, किसके मुकाबले में, 2010 के मुकाबले में। फिर 2014 की प्राइसेस के बारे में एनालिसिस करेंगे 2010 के मुकाबले में। इसी तरह 2015 की भी करेंगे, 2016 की भी करेंगे, 2017 की भी करेंगे, लेकिन जितने ईयर्स हैं सबको कंपेयर करेंगे सिर्फ 2010 से, क्योंकि उसने फर्स्ट पार्ट में बोला हुआ है कि हमारा बेस ईयर 2010 है। तो हमें यहां पे सिर्फ और सिर्फ जो कंपेरिजन करना है वो 2010 से करना है। फिक्स बेस मेथड का जो फॉर्मूला है वो ये है कि प्राइस ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ बेस ईयर मल्टीप्लाइड बाय 100, कि जो भी हमारी करंट ईयर की प्राइस होगी उसको हम बेस ईयर की प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे। बेस ईयर आपको सवाल में दिया हुआ है, तो 2010 की जो प्राइस होगी वो हमारी बेस ईयर की प्राइस हो जाएगी, और उसको मल्टीप्लाई करवा देंगे हम किससे, 100 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। आए इसकी कैलकुलेशन को देखते हैं किस तरीके से करनी है हमें। तो जब आप सवाल को सॉल्व करना शुरू करेंगे तो सॉल्यूशन के अंदर मैंने यहां पे क्या किया कि पहला कॉलम बनाया मैंने जिसमें मैंने तमाम ईयर्स लिख दिए, और ये तमाम ईयर्स मैंने कहां से उठाए हैं, मैंने यहां सवाल से उठाए हैं। ये जो ईयर्स लिखे हुए थे 2010 से लेकर 2017 तक के, मैंने इन तमाम ईयर्स को यहां पे लिस्ट डाउन कर दिया। सेकेंड कॉलम में मैंने प्राइसेस लिख दी, और प्राइसेस जो सवाल में दी हुई थी अगेन उन तमाम प्राइसेस को मैंने 2010 से लेकर 2017 तक की जो प्राइसेस थी उन प्राइसेस को मैंने यहां पे लिस्ट डाउन कर दिया। अब यहां पे इसकी जरा कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन इस फॉर्मूले की मदद से करेंगे। फॉर्मूला क्या बोल रहा है कि प्राइस ऑफ करंट ईयर, मैं एक्सेल का फॉर्मूला लगा रहा हूं, आप कैलकुलेटर पे इसको आसानी कर सकते हैं। तो हमारी करंट ईयर का मतलब जिस साल की हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो फिलहाल हमारा करंट ईयर क्या है, 2010 हमारा करंट ईयर है, और 2010 की हमारी प्राइस कितनी है, 10 है, तो करंट ईयर, और इसको हमने डिवाइड करना है प्राइस ऑफ बेस ईयर से। तो अब बेस ईयर कहां से मिलेगा, बेस ईयर जैसे कि हमें सवाल में इन्होंने बताया हुआ है कि 2010 ही हमारा बेस ईयर है, तो हम इसको डिवाइड करेंगे 2010 की प्राइस से। तो भाई इत्तेफाक से जो हमारा करंट ईयर है वही यहां पे हमारा बेस ईयर भी बन रहा है, तो हम इसको 10 से ही डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करवा देंगे इसको हम किसके साथ में मल्टीप्लाई करवाएंगे, 100 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे इसको, क्योंकि यहां पे हमें इन्होंने मल्टीप्लाई करने को बोला है 100 के साथ में।
तो जैसे ही हमने इसको कैलकुलेट किया, आप सिंपली कैलकुलेटर पर करके देख सकते हैं कि 10 करंट ईयर डिवाइडेड बाय 10 बेस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100, जैसे ही आप करेंगे तो 10 और 10 आपस में कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो उसका आंसर 100 ही आएगा। अच्छा, ये 100 क्या है बेसिकली, इसको मैं मजीद एक्सप्लेन करूंगा जब मैं कमेंट्स लिखना शुरू करूंगा इसके। बहरहाल 2011 की प्राइस पे आते हैं जरा। अगेन फॉर्मूला प्राइस ऑफ करंट ईयर, तो करंट ईयर की जो प्राइस है हमारी वो है 12। अब यहाँ प्राइस चेंज हो गई है, यहाँ प्राइस हमारी हो गई है 12, करंट ईयर हमारा 12 हो गया। इसको हमें डिवाइड करना है प्राइस ऑफ बेस ईयर के साथ। तो बेस ईयर जैसे कि सवाल में बोला हुआ है कि 2010 रहेगा, तो 2010 की जो हमारी प्राइस है वो है 10, तो हम इसको डिवाइड करेंगे 10 के साथ में, करंट ईयर 12 हो गया, बेस ईयर 10 हो गया, तो प्राइस ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ बेस ईयर, और इसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे अगेन फॉर्मूले में दिया हुआ है किसके साथ में, 100 के साथ। तो हमने इसको मल्टीप्लाई करवा दिया 100 से, तो इसका आंसर हमारा आ गया 120। अगर मैं इसके बारे में कमेंट करना चाहूं तो जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था, ये आंसर प्राइस रिलेटिव है, ये परसेंटेज इंक्रीज नहीं है, ये प्राइस रिलेटिव है। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कितनी परसेंट प्राइस में चेंज आया, तो कुछ भी नहीं करें, प्राइस रिलेटिव के आंसर में से 100 माइनस कर दें। तो अगर मैं 120 में से 100 को माइनस करता हूं तो मेरा आंसर बनेगा 20। तो हम ये कह सकते हैं कि इन 2011 द प्राइस ऑफ वीट इंक्रीज बाय 20%। 2011 में हमारी प्राइस जो है वीट की जो प्राइस है वो 20% बढ़ गई है। और अगर हम उसको देखना चाहें रुपीज में, तो आप रुपीज में इसको बासानी देख सकते हैं कि हमारी जो प्राइस बढ़ी है वो 2 रुपए बढ़ी है, 10 रुपए से बढ़ के वो कितनी हो गई, 12 रुपए हो गई। और अगर इसको परसेंटेज में देखना चाहते हैं कि भाई कितनी परसेंट इंक्रीज आई है प्राइस में, तो 20% हमारी प्राइस में इंक्रीज आया। मैं अगेन आपको एक बात क्लियर कर दूं कि ये प्राइस रिलेटिव का आंसर है, ये परसेंटेज इंक्रीज नहीं है। अगर परसेंटेज इंक्रीज आप निकालना चाहते हैं तो प्राइस रिलेटिव के आंसर में से 100 को माइनस करवा दें, आपके पास जो आंसर आएगा वो आपको पता लगेगा कि परसेंटेज कितनी इंक्रीज हुई है। अगर ये आंसर माइनस में आ जाए तो इसका मतलब जितना आंसर आएगा उतनी परसेंट आपकी वैल्यू क्या हुई है, डिक्रीज हुई है बेसिकली। आगे चलते हैं। इसी तरह अगर मैं 2012 की कैलकुलेट करना चाहूं तो सेम वही 13 डिवाइडेड बाय 10, क्योंकि हमारा बेस ईयर हमारा 10 है, तो अगेन ये हो जाएगा हमारा 13 डिवाइडेड बाय 10, और हम इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे 100 के साथ, तो हमारा इसका आंसर आ गया 130। ठीक है, अगर 2013 की कैलकुलेट करना चाहें, अब हम 2012 में हमारी प्राइस हो गई, प्राइस रिलेटिव हो गई 130। और अगर इसका कमेंट हम चेक करें तो कमेंट में इसका इस तरीके से लिख सकता हूं कि इन 2012 द प्राइस ऑफ वीट इज इंक्रीज्ड बाय 30%, कि 2012 में जो वीट की प्राइस है वो 30% इंक्रीज हो गई। अच्छा, अगर अब हम 2013 की कैलकुलेट करना चाहें तो 2013 के लिए भी वही फॉर्मूला रहेगा, फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। तो आपने क्या करना है, करंट ईयर की प्राइस को 16 को डिवाइड करवा देना है बेस ईयर से जो कि है 10, और आप इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे किसके साथ में, 100 के साथ। तो करंट ईयर हो गया 16, बेस ईयर हो गया 10, और मल्टीप्लाई बाय हमने इसको 100 करवाया, तो इसका आंसर आ गया 160। और अगर प्राइस में इंक्रीज देखना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि इन 2013, मैं करेक्ट कर दूं इसको क्योंकि मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूं इसलिए टाइम बचाने के लिए, इन 2013 द प्राइस ऑफ वीट इज इंक्रीज्ड बाय 60%। अगेन 160 में से आप 100 को माइनस करेंगे तो इसका आंसर जो आएगा वो आ गया आपका 60% आंसर। तो हम ये कह सकते हैं कि 2013 में हमारी प्राइसेस में जो इंक्रीज आया है वो कितना इंक्रीज आया है, वो 60% का इंक्रीज आया है हमारे पास। 2014 की अगर हम कैलकुलेट कर लें
इसका आंसर आने वाला है 170। आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, 2015 की कैलकुलेट करें तो इसका आंसर आएगा 150, 2016 की कैलकुलेट करें तो इसका आंसर 160 आएगा, और 2017 की कैलकुलेट करें तो इसका आंसर 190 आने वाला है। तो अब दो अगर इसकी यहां पे इंटरप्रिटेशन की बात करें, 2014 की इंटरप्रिटेशन की हम बात करें, तो हम ये कह सकते हैं कि इन 2014 प्राइस ऑफ वीट इज इंक्रीज्ड बाय 70%। ठीक है, अच्छा अगर हम 2015 की बात करें, यहां पर स्टूडेंट सबसे ज्यादा मिस्टेक करते हैं। मिस्टेक क्या करते हैं, स्टूडेंट बोलते हैं कि सर प्राइस 17 रुपए थी 2014 में, इसका मतलब 2015 में प्राइस कम हो रही है। 2015 में प्राइस कम नहीं हो रही आपकी, प्राइस पिछले साल के मुकाबले में 2014 के मुकाबले में जरूर कम हो रही है, लेकिन यहां पे हम पिछले साल से तो कंपेयर नहीं कर रहे, यहां पे हम कंपेयर कर रहे हैं किससे, हम बेस ईयर से, मतलब 10 रुपए से कंपेयर कर रहे हैं। तो 10 रुपए के मुकाबले में तो प्राइस बढ़ी है ना, पहले 10 रुपए थी 2010 में, अब 15 रुपए हो गई, तो प्राइस 5 रुपए बढ़ी है। बेशक पिछले साल के मुकाबले में कम हुई है, लेकिन हम यहां पे कंपैरिजन लास्ट ईयर से नहीं, हम बेस ईयर से कर रहे हैं जो कि हमारा क्या है 2010 है। तो 2010 के मुकाबले में हमारी प्राइस इंक्रीज ही हुई है। हाँ ये कह सकते हैं कि पिछले साल के मुकाबले में कम इंक्रीज हुई है, लेकिन इंक्रीज हुई है, तो हम ये कहेंगे इन 2015 द प्राइस ऑफ वीट इंक्रीज बाय 50%। अब अगर मैं आपको यहां पे बोलूं 2016 की बात करूं आपसे, तो आप ये बोल सकते हैं कि इन 2016 में हमारी जो प्राइस है वो कितनी इंक्रीज हुई है, वो 60% इंक्रीज हो गई। और सेम अगर इसी तरीके से हम 2017 की बात करें, तो हम ये बोल सकते हैं कि इन 2017 हमारी जो प्राइस है द प्राइस ऑफ वीट इज इंक्रीज्ड बाय 90%। तो 2017 में हमारी प्राइस 90% इंक्रीज हो गई विद रिस्पेक्ट टू 2010। पूरा जुमला ये है कि विद रिस्पेक्ट टू 2010 द प्राइस हैज इंक्रीज्ड बाय 90% इन 2017। इस तरीके से ये हमने कैलकुलेट कर लिया यहां पे। अब अगर हम इसके सेकंड पार्ट की बात करें, 2012 की बात करें अगर हम, तो 2012 में अब हमको जो 2012 जो बेस ईयर है हमारा वो 2012 लेंगे, मतलब अब जितनी भी प्राइसेस हैं उसको डिवाइड करेंगे किससे, 13 से डिवाइड करेंगे अब हम। ठीक है, तो आइए जरा पहला वाला देखते हैं। करंट ईयर की प्राइस हमारी यहां पे है 10, हमने यहां 10 लिया, इसको डिवाइड करना है हमने किसके साथ में, बेस ईयर के साथ। हमारा बेस ईयर अब क्योंकि 2012 है और 2012 की प्राइस है हमारी यहां पे 13, तो हमने इसको डिवाइड किया 13 से और इसको हम मल्टीप्लाई करवा देंगे किसके साथ में, 100 के साथ में। तो अब हमारा आंसर आप देख सकते हैं कि जो आ रहा है वो आ रहा है, अगर मैं इसको थोड़ा सा राउंड फिगर में ले जाऊं, हमारा आंसर आ रहा है 77 या अगर उसको एक डेसिमल बना दें तो 76.9 आंसर आ रहा है। अच्छा, इसकी इंटरप्रिटेशन को समझना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है आपके लिए। सवाल यह कि यहां पे हमारी प्राइस कम हो रही है कि बढ़ रही है, तो नॉर्मली उमूमन लोग क्या कह रहे होते हैं कि यहां पे प्राइस कम हो रही है। देखिए ये इंटरप्रिटेशन इसकी गलत है कि प्राइस कम हो रही है। हम ये कैसे कह सकते हैं कि 2012 के मुकाबले में 2010 में प्राइस कम हो रही है, ये जुमला तो कोई सेंसिबल नहीं है ना। तो इसके लिए सही जुमला क्या होगा कि 2012 के मुकाबले में, क्योंकि हम कंपेयर किससे कर रहे हैं, 2012 से कंपेयर कर रहे हैं, बेस ईयर हमारा 2012 है, तो हम ये कह सकते हैं कि 2012 के मुकाबले में 2010 में हमारी प्राइस कम थी। कितनी कम थी, 3 रुपए कम थी। और अगर हम इसको परसेंटेज में निकालना चाहें तो परसेंटेज में निकालने के लिए हम सिंपली 100 से माइनस करवाएंगे तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो 23.1% आंसर आ रहा है हमारा। तो हम ये कह सकते हैं कि इन द ईयर 2010 द प्राइस वाज 23.1% लेसर Than 2012। क्या हम ये कह सकते हैं कि भाई
2010 में, इन द ईयर 2010, 2010 में हमारी प्राइस 23.1% कम थी 2012 के मुकाबले में। कम हुई नहीं है, कम थी ये प्राइस हमारी, आने वाला साल में कम होती है, पिछले सालों में कम होती थी। तो इस तरीके से हमने उसको कैलकुलेट यहां पे कर लिया। 2011 में देखते हैं क्या हुआ। अगेन करंट ईयर हमारा कितना है, करंट ईयर की जो हमारी प्राइस है वो है हमारी 12, तो हमने यहाँ पे 12 को डिवाइड किया बेस ईयर से, बेस ईयर हमारा है 13, तो हमने इसको 13 से डिवाइड किया और इसको हमने मल्टीप्लाई करवा दिया 100 से, तो अब यहाँ पे हमारा आंसर आ रहा है 92.3। तो 92.3 का मतलब ये हो सकता है हमारे पास में कि हमारी प्राइस कितनी कम थी, हमारी जो प्राइस थी वो 100 में उसको माइनस करवाएं तो आंसर आ रहा है 7.7। तो हम ये कह सकते हैं कि इन द ईयर 2011 द प्राइस वाज 7.7% लेसर देन 2012, कि 2010 के 2012 के मुकाबले में हमारी प्राइस 7.7% कम थी। ठीक है, अब आ जाए 2012 में, तो करंट ईयर की प्राइस हमारी क्या होगी। करंट ईयर हमारा है 13, बेस ईयर भी यहां पे 2012 ही है तो उसको डिवाइड भी 13 से ही करेंगे और इसको मल्टीप्लाई 100 से करवा देंगे, तो इसका आंसर 100% आ रहा है। हम ये कह सकते हैं कि 2012 को 2012 से ही कैसे कंपेयर करेंगे, प्राइस में नो चेंज, 0% चेंज होगा, क्योंकि सेम ईयर को सेम ईयर से कंपेयर कर ही नहीं सकते। जैसे कि यहाँ पे नहीं हो सकता था कंपेयर कि हम करंट ईयर को बेस ईयर से कंपेयर कर रहे थे तो उसका आंसर जीरो आ रहा था, 100 माइनस 100 जीरो हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर भी 100 माइनस 100 0% चेंज आएगा, तो हम कह सकते हैं कि इस साल में हमारी परसेंटेज में कोई चेंज नहीं आया, क्योंकि सेम ईयर से कंपेयर करेंगे तो हमेशा ऑब्वियसली कोई चेंज थोड़ी आ सकता है। बहरहाल अब 2013 में देखते हैं क्या हुआ। अब 2013 की जब हम बात करेंगे तो हमारी 2013 की जो प्राइस है वो है 16, इसको हम डिवाइड करवाएंगे बेस ईयर से जो कि 13 है और मल्टीप्लाई करवा देंगे इसको हम 100 के साथ, तो अब हमारा जो आंसर बन रहा है वो बन रहा है 123.07 08। तो अब अगर मैं इसको यहां पे कंपेयर करना चाहूं, अगर अब मैं कंपेयर करना चाहूं 2013 की प्राइस को, तो हम कह सकते हैं कि इन 2013 द प्राइस ऑफ वीट इज इंक्रीज्ड बाय 23.08%। 23.08% से हमारी प्राइस इंक्रीज हो गई, लेकिन किसके मुकाबले में, विद रिस्पेक्ट टू 2012, 2012 के मुकाबले में 2013 में हमारी प्राइस जो इंक्रीज हुई है वो 23.08% इंक्रीज हुई है। और अगर रुपीज में देखना चाहें कितनी इंक्रीज हुई है तो 13 रुपए से 16 रुपए हो गए, 3 रुपए का इजाफा हुआ है। और परसेंटेज में देखना चाहें तो हम बोल सकते हैं कि 23% का इजाफा हुआ है। अब जरा 2014 की प्राइस पे आ जाते हैं, तो 2014 की हमारी जो करंट ईयर की प्राइस है वो है 17, इसको हम डिवाइड करते हैं 13 से जो कि बेस ईयर है हमारा 2012 का, और इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं 100 से, तो इसकी प्राइस में अब आप देख सकते हैं कि इजाफा जो आया है वो कितना इजाफा आया है, 30.7% का इजाफा आया है। तो हम ये कह सकते हैं कि इन 2014 2014 के अंदर हमारी प्राइस, द प्राइस हैज इंक्रीज बाय 30% इंक्रीज आया है 2012 के मुकाबले में, विद रिस्पेक्ट टू 2012 द प्राइस of wheat has increased by 30.7%। same इसी तरह 2015 की आप calculate करें, तो 2015 में अगर हम देखें ये हो जाएगा current year is 15 divided by base year की price हमारी थी 13 multiplied by 100 तो अब price में आपकी जो इजाफा आया है वो 15% का इजाफा आया है इसका। तो हम ये कह सकते हैं कि 2015 के अंदर हमारी प्राइस 15% से इंक्रीज हो गई। इसी तरीके से आप 2016 की कैलकुलेट करना चाहें तो हम इसको करेंगे 16
डिवाइडेड बाय 13 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो हमारी प्राइस में जो इजाफा आ रहा है वो आ रहा है 123, प्राइस रिलेटिव आ रही है, और परसेंटेज में देखना चाहें तो हम कह सकते हैं कि 23.08% का हमारी प्राइस में इजाफा आया है। और लास्ट 2017 की देख लें तो 2017 की प्राइस हमारी है 19 डिवाइडेड बाय करंट ईयर हो गया हमारा, सॉरी बेस ईयर हो गया 13, करंट ईयर है 19, बेस ईयर है 13, 2012 की प्राइस, इसको मल्टीप्लाइड बाय 100 जब करा हमने तो इसका आंसर आ रहा है 146.15, और परसेंटेज में देखना चाहें तो हम कह सकते हैं कि 46.15% प्राइस में इंक्रीज आया है विद रिस्पेक्ट टू 2012। इन 2017 मैं यहाँ पे एक बार लिख के दिखा देता हूँ, इन 2017 द प्राइस ऑफ वीट इंक्रीज्ड बाय 46.15% विद रिस्पेक्ट टू 2012। 2017 में हमारी प्राइस में, वीट की प्राइस में 46.15% इंक्रीज आया 2012 के मुकाबले में। तो इस तरीके से हम इसकी प्राइसेस की कंपैरिजन कर सकते हैं। और ये जो हमारा टॉपिक है जो हमने आज की वीडियो में डिस्कस किया है, इसको हम सिंपल प्राइस इंडेक्स कहते हैं। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, और अगर कोई क्यूरीज हैं तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसका अगला टॉपिक लिंक रिलेटिव को डिस्कस करेंगे, चेन इंडिसेस को डिस्कस करेंगे, और बाकी टॉपिक्स भी वक्त के साथ साथ डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।